नमस्कार दोस्तों, पीवीआर स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार शुक्ला, क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.5 यानी एक्सरसाइज 2.5 को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो पार्ट वन में क्वेश्चन वन और टू हो गया है, पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर थ्री से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए क्या है, उपयुक्त सर्वसमिकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये है एक व्यंजक, इसका ज्ञात करना है गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है, सर्वसमिका का प्रयोग करके, ठीक है। तो सर्वसमिका का प्रयोग करके देखते हैं इसमें कौन सी सर्वसमिका लगेगी। ये 9x² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, वाई का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास सर्वसमिका क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होती है। तो हमारे पास ए स्क्वायर 3x² बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 2ab। अगर हम इस 6 को क्या लिख दें, प्लस 2 इंटू ए 3x और इंटू बी वाई, तो हमारे पास 6xy आ जाएगी। यानी इस 6xy को हम 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकते हैं। 3x इंटू वाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें a और b के रूप में इसको बनाना है, 2ab बनाना है, ठीक है, इस सर्वसमिका के रूप में बनाना है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। a क्या है, 3x, प्लस b क्या है, y, 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका गुणनखंड है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3x प्लस y, 3x प्लस y, चाहे आंसर यहाँ पर लिखिए ये आंसर हो गया, और चाहे यहाँ पर ये भी, या क्या है आपका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इसमें कौन सी सर्वसमिका प्रयोग हुई है, ये वाली सर्वसमिका, ठीक है। तो इसी तरीके से देखेंगे कौन सी सर्वसमिका इसमें लगेगी, और उस सर्वसमिका का यूज करके हम आंसर ले लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे इस वीडियो को PVR स्टडी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और PVR स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। 4y² - 4y + 1, ये है दूसरा क्वेश्चन। अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पर फ्री में देख रहे हैं तो डेमो के तौर पर देख रहे हैं तो आप प्रीमियम क्लास लेने के लिए PVR स्टडी ऐप पर जा करके इंस्टॉल करके जानकारी वहां से ले सकते हैं, आपको वहां पर पूरा फुल कोर्स मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर भी सर्वसमिका का यूज करना है। अगर हम इस 4y² को क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और y, यानी 2y² का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके बाद 1 है, 1 को भी क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, हमें बीच में क्या है, यहाँ पर माइनस है। अगर हम बीच में ला लें 2ab, यानी ये a है ये b है, 2 इंटू ए क्या है, 2y, इंटू बी क्या है, 1, तो ये हमारे पास 4y है पहले से, यानी कि 2 × 4 = 4y, यानी इस 4y को 2 × 2y × 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी सर्वसमिका बन जाएगी, सर्वसमिका हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सी बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाले में क्या होता है, माइनस ए बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, अब इसके सर्वसमिका का प्रयोग करने पर, तो अब ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए कितना है 2y, माइनस बी कितना है 1, इसका होल स्क्वायर, बस यही आपका हो गया आंसर, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया आंसर। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2y - 1 × 2y - 1, चाहे इस रूप में आंसर लिखें चाहे इस रूप में, दोनों आंसर सही है, ठीक है।
तो इसी तरीके से इस सर्वसमिका का यूज करके इसको हल करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इसका इसी का तीसरा पार्ट है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100। ठीक है, तो ये तो बहुत ही छोटा है, लेकिन होगा कैसे? चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर है वाई, और 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर, यानी वाई अपान 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और अब ये क्या बन गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको ए मान लें, इसको बी, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रेकेट में, और ए माइनस बी एक ब्रेकेट में। इसके दो खंड हो गए। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गया। अब ए है एक्स, बी है वाई अपान 10, तो क्या हो जाएगा? एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस वाई अपान 10, और एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस वाई अपान 10। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या हुआ? ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ और सर्वसमिकाओं के बारे में जानकारी दे देते हैं। आपको कुछ और सर्वसमिकाओं की जरूरत पड़ेगी, जिसको जानना बेहद जरूरी है। अगर उसको नहीं जानेंगे तो आगे का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हम आपको चार सर्वसमिकाओं बताए थे, वो इनका यूज हो चुका है। अब हम आपको कुछ और बताएंगे, वो भी आपको एकदम लर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, दिमाग में छाप लेना है। चलिए देखते हैं कौन सी हैं वे सर्वसमिकाएं। तो देखिए, ये तीन सर्वसमिकाएं आपको और लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, तो ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अभी तक हमारे पास क्या था? दो ही था, ए प्लस बी। अब इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड के हम जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी करके याद कर सकते हैं, आपको जो आसानी पड़े। तो इसमें तीन पद हैं, एक्स वाई जेड, तो क्या हो जाएगा? सेम है उसी तरह, उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता था, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस टू, एक बार एक्स वाई होगा, फिर वाई जेड होगा, फिर जेड एक्स होगा। तो प्लस टू एक्स वाई, टू वाई जेड, टू जेड एक्स, और सब के बीच में प्लस है। सब के बीच में क्या है? प्लस है। तो ये याद करना बेहद आसान है। अब जैसे इसमें देखते हैं, ए रहेगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, बस। ठीक है, तो इसी तरीके से आप स्क्वायर वाला लर्न कर लेंगे। इसके बाद है क्यूब का, दो पद हैं और इनका क्यूब है, यानी घात तीन है। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो होल क्यूब रहेगा तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी। अभी तक सेम है, क्या है? सेम है, जैसे स्क्वायर में होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, घात दो रहती थी। यहाँ पर घात तीन है, तो क्या हो गया? ए की घात तीन प्लस बी की घात तीन प्लस थ्री ए बी। अब इसमें एक चीज और ऐड करना है, थ्री ए बी के साथ मल्टीप्लाई में ए ए प्लस बी और लिख देना है, यही वाला ए प्लस बी। और माइनस वाले में सारी चीजें माइनस है, प्लस वाले में सारी प्लस है, सारे सिंबल प्लस है, माइनस वाले में सारे सिंबल माइनस है। तो आपको याद करने में भी बहुत आसान है। तो a माइनस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, माइनस वाले में सब माइनस, प्लस वाले में सब प्लस। तो ये तीन सर्वसमिकाएं हैं, आपको ये याद रखनी है हमेशा के लिए। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन करेंगे जो कि इसी सर्वसमिकाओं पर बेस्ड हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें क्या है? उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। आपको इसमें लगभग छः पार्ट हैं और छः पार्ट का आपको प्रसार करना है। तो x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर है, तो ये इसी टाइप वाला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका प्रसार ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कौन सी सर्वसमिका लगाएंगे? यही वाली सर्वसमिका लिख देंगे। कौन सी सर्वसमिका? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर बात करें तो ए बराबर क्या है, एक्स कमा, बी बराबर क्या है टू वाई, और सी बराबर क्या है फोर जेड, ठीक है। तो हमें इन सब का मान पता है, ए की जगह पर क्या रख देंगे एक्स, बी की जगह पे टू आई और सी की जगह पे फोर जेड। तो चलिए इसी में इधर इस साइड वाले मान रखते हैं, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टू वाई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी फोर जेड का स्क्वायर, फोर जेड का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए, ए कितना है एक्स, बी कितना है टू वाई, प्लस टू बी सी, बी कितना है टू वाई और सी कितना है फोर जेड, फोर जेड, प्लस टू सी ए, टू इंटू सी कितना है फोर जेड इंटू टू सी ए, ए कितना है एक्स, तो एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस दो दूना चार वाई स्क्वायर प्लस चार चौके सोलह जेड स्क्वायर प्लस दो दूना चार एक्स इंटू वाई एक्स वाई फोर एक्स वाई प्लस दो दूना चार चौक सोलह वाई और जेड, तो वाई जेड हो गया, प्लस चार दूना आठ, आठ जेड और एक्स, एक्स जेड हो गया। तो ये आपका हो गया प्रसार। तो अब ये सर्वसंख्या के द्वारा ये आपका प्रसार कंप्लीट होता है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसी पे छोड़ सकते हैं, आंसर मैच करवा लीजिए, देखिए पूरा आ रहा है सही है गलत है। इसके बाद आप खुद से भी अपना ट्राई करिए, क्वेश्चन को करिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका पार्ट थ्री, पार्ट टू बेहद आसान है। क्या है, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यही है। अगर ये वाला कर लेंगे तो आप ये वाला भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले तीसरा बताते रहे, दूसरा आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। चलिए हमें सर्वसंख्या कौन सी लिखनी है, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, यही है सर्वसंख्या। अब हमारे पास क्या है, तुलना कर लीजिए, ए की वैल्यू क्या है माइनस टू एक्स सिंबल के साथ देखेंगे, बी की वैल्यू क्या है थ्री वाई और सी की वैल्यू क्या है टू जेड। बस ए बी सी का मान यहाँ पर रखते चली जाइए और आपका प्रसार हो जाएगा आंसर हाथों में, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो अब इसके ए बी और सी के मान रख दीजिए, मान रखोगे तभी क्या होगा सम्मान मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा जब आंसर आ जाएगा। तो ए बराबर माइनस टू एक्स, बी बराबर थ्री वाई, तो बी की जगह पर थ्री वाई का होल स्क्वायर और प्लस सी की जगह पर टू जेड का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की जगह पे माइनस टू एक्स सिंबल के साथ देखेंगे, अगर माइनस है तो बी की जगह पर थ्री वाई, फिर प्लस टू ए बी हो गया टू बी सी, टू इंटू बी, बी कितना है थ्री वाई और सी कितना है टू जेड, टू जेड, और प्लस टू सी ए, टू सी कितना है टू जेड और ए कितना है माइनस टू एक्स। बस इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा, माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा। चलिए तो इसके आगे अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे सब में और बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, दो दुना चार हो जाएगा फोर और एक्स का स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस दो बार गुणा होगा प्लस हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस तीन त्रिका नाइन वाई स्क्वायर प्लस दो दूना चार जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, दो दूना चार तीन बारह और एक माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो दो दूना चार तीन माइनस बारह
और एक्स और वाई 12xy हो गया, प्लस 2 3 6 दूनी 12, 12 वाई और जेड, वाई और जेड हो गया। फिर यहाँ पर 2 2 4 2 8 और एक माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 2 4 2 8 और जेड एक्स एक्स जेड, बस अब यही आपका आंसर हो गया। 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 12xy प्लस 12yz प्लस 8xz, यही आपका क्या हो गया आंसर। बस सिंपल, यही केवल आपको फार्मूला लगाना है, वैल्यू रखना है, गुणा करना है, 1 2 3 लाइन में आंसर। पहला लाइन सूत्र ही लिखना है पहली, और दूसरी दूसरी लाइन में आपका आंसर आ रहा है। तो इतना इजी क्वेश्चन आपको दूसरा करना है, होमवर्क हमने बता दिया है, अब इसके बाद आगे देखते हैं, नहीं आएगा तो हम दूसरा भी बताएंगे, लेकिन आपको पहले ट्राई तो करना ही पड़ेगा, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 4 5 6, 4 बता दे रहे हैं, 5 होमवर्क रहेगा और हम फिर आगे बताएंगे 6, ठीक है। चलिए 4 देखते हैं, 3a सारे उसी तरह से हैं, 3a माइनस 7b और माइनस c का होल स्क्वायर। तो हम सीधा लिखते हैं क्या, सर्व समीकरण लिखते हैं और कंपेयर करके उसका मान निकालते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, आपको फार्मूला रटा होना चाहिए। अब यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, a का मान क्या है, a बराबर है 3a, b बराबर है माइनस 7b, माइनस के साथ जरूर लिखना है, और c बराबर है माइनस c, बस अब यही a b और c का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, अब ए स्क्वायर 3a² हो जाएगा, 3a² प्लस 2b² माइनस 7b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c की जगह पर माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, a कितना है 3a, b कितना है माइनस 7b, प्लस 2bc, b कितना है माइनस 7b और c कितना है माइनस c, ठीक। फिर प्लस 2ca, c कितना है माइनस c, a कितना है 3a, बस आपकी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, 3a × 3a क्या हो जाएगा, 3 × 3 9a² प्लस 7b, 7 × 7 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 7 × 7 49b² प्लस माइनस c इंटू माइनस c प्लस c हो जाएगा प्लस c² प्लस 2ab। अब देखिए 3 × 6 = 42 और एक माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, 6 × 7 = 42 ab, 42 ab माइनस 7 2 × -c, तो 7 × 14 -14 × -1 14 × 1 = 14 माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी प्लस 7 × 14 c हो जाएगा, 2 माइनस है, 2 माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा 14 c। फिर 2 3 6 = 6 -6 ac, सी ए या ए सी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सी ए लिखें या ए सी लिखें। चलिए देख लीजिए यहाँ से, 9a² प्लस 49b² प्लस c² माइनस 2 3 6 = 42 ab धन 7 × 14 = 14 माइनस माइनस प्लस 14 c हो गया, माइनस 2 3 6 और माइनस, तो माइनस 6 ac हो गया, ठीक है। बस आपका यही आंसर हो गया, आंसर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 9a² प्लस 49b² प्लस c² माइनस 42ab प्लस 14c और c के साथ b, cb भी रहेगा ना, b और c, 14bc और माइनस 6ac, बस ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अब हम सीधा देखेंगे क्वेश्चन नंबर
फाइव होमवर्क है, हम देखेंगे सिक्स। हम इसमें छः में से आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, जिसको आपको अच्छे से करके और वो आंसर मैच करवा लेना है। अब हम सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। वन वन अपान फोर ए माइनस वन अपान टू बी प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है। तो अब इसमें सर्वसम का कौन सी लगेगी, वही वाली लगेगी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। हर क्वेश्चन में सर्वसम का हम जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पर ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान ए बाई फोर, बी का मान माइनस बी बाई टू और सी का मान वन, ठीक है। अब हम सूत्र लगा सूत्र में रखते हैं, ए का मतलब ए बाई फोर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का मान माइनस बी अपान टू का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर भी है, देख लीजिएगा कहीं गलती ना होने पाए, प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन है, वन का स्क्वायर प्लस टू ए कितना है, ए अपान फोर, बी कितना है माइनस बी अपान टू, टू ए बी प्लस टू बी सी, बी कितना है माइनस बी बाई टू और सी कितना है वन, और प्लस टू इंटू ए बी बी सी सी ए, सी कितना है वन और ए कितना है ए अपान फोर। बस अब इसके बाद सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए स्क्वायर और फोर, फोर का स्क्वायर सोलह, तो ए स्क्वायर अपान सिक्सटीन, ए स्क्वायर अपान सिक्सटीन प्लस माइनस बी है, माइनस माइनस का पूरा प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपान फोर, बी स्क्वायर अपान फोर प्लस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा प्लस। अब देखिए ए और बी का गुणा क्या हो जाएगा, ए बी, और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी अपान, ये ऊपर दो है, दो से दो कैंसिल और नीचे फोर वन जा फोर, माइनस ए बी अपान फोर आ गया, प्लस ये भी दो से दो कैंसिल, माइनस बी एकम बी तो माइनस बी आ गया, माइनस बी आ गया, प्लस टू इंटू दो एकम दो, दो दूना चार कट कर देंगे, तो ए अपान टू आ गया, ए अपान टू आ गया, बस अब आपका यही आंसर हो जाएगा। अब आंसर आइए अगली लाइन में लिख लेते हैं, आपको देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर अपान सिक्सटीन, तो लिख लेंगे ए स्क्वायर अपान सिक्सटीन, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, ए स्क्वायर अपान सिक्सटीन प्लस बी स्क्वायर अपान फोर प्लस वन, और ये माइनस ए बी है, ये प्लस ये माइनस ब्रेकेट हटेगा तो ये माइनस ए बी अपान फोर हो जाएगा, और ये भी क्या है माइनस बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए अपान टू, बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फोर तक आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज का। अब आगे भी देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है तो इसके कई पार्ट में आपको हो सकता है मिले, तो अब अगला पार्ट अगर देखेंगे तो इसका भी गुणनखंड ही करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, इसके गुणनखंड कैसे करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते रहिए, इसके दो क्वेश्चन होमवर्क हैं, जरूर करिए, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए, हम उसको फिर से बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर और आपको करना जरूर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।